हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.2 देखिए। क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज़ गिवन बाय एस इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टी स्क्वेयर। मतलब डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, ठीक है। ये एक तरह का कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व कर रखा है इन्होंने। आपसे पूछा जा रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में। तो हमें बात समझ आती है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, है कि नहीं। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 0 से 5 सेकेंड के बीच में, ये आपको पहले फाइंड आउट कर लेना है और फिर उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना है। तो हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और हमें 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में बात करनी है। तो टी की जगह हम लोग 5 रख देंगे। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। ये 2.5 को एज इट इज़ रख लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है इसको आप ऐसे लिख लीजिए। टाइम आप रखना है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड लिख लीजिए। तो सेकेंड स्क्वेयर से सेकेंड स्क्वेयर कट जाएगा और ये 5 का स्क्वेयर होगा ना, समझ रहे हो बात को। अरे ये भूल गया था ना, ये 5 का स्क्वेयर है क्योंकि यहाँ टी का स्क्वेयर है ना, ठीक है। तो 5 5 25 होता है, ठीक है, सबको पता है। और ये 2.5 से इंटू करना है और ये मीटर। तो 25 का स्क्वेयर होता है 625, ठीक है। एक पॉइंट के बाद ये आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, ये आ गया 62.5 मीटर आ चुका है। और ये कारनामा हुआ है 5 सेकंड में, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए 5 सेकंड से। अब इसको काटा पिटी मचाएंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 गुना 5 25। तो इस तरीके से आपका 12.5 मीटर पर सेकंड आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। अगला बोला गया है कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। जैसे इंस्टेंटेनियस वर्ड आए तो आपको डिफरेंशिएशन का ख्याल आना चाहिए। इसका मतलब आपको ds/dt करना है, यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। मैं v से शो कर रहा हूँ स्पीड को, ठीक है। तो एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, तो आपको बस यही रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा 2.5 t² / dt। इसको डिफरेंशिएट करिए क्या आएगा, सबको पता है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 2 × 2.5 t, ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया है कौन से टाइम पे करना है, 5 सेकेंड पे। तो ये 5 सेकेंड आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 5 सेकेंड वहाँ रखते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया, 10 को 25 से इंटू करोगे तो 25 आपका आ जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब पता है ना, तुरंत एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। तो हमें जो भी फंक्शन दे रखा है टाइम का स्पीड के लिए, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है पहले, तब जाके जो वेलोसिटी या फिर जो स्पीड आएगा। देखो वेलोसिटी स्पीड अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जो ये स्पीड आएगा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में आया है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे टाइम नहीं आता तो हम जो भी वैल्यू आती है ना वही इसका आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है। फिलहाल यहाँ जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना भैया। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, कौन सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है इतनी बात, चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर। अरे कहाँ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो किया है वो ठीक किया है। चलो थैंक यू।